उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन अभी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मसले पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 सवालों का जवाब मांगा है। तो साफ है कि 29 अप्रैल को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर रोक लग गई है। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर आज सुप्रीम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल सूबे में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 सवालों के जवाब मांगे हैं, जिनमें पूछा गया है कि क्या वर्तमान स्थिति में धारा 175(2) के तहत राज्यपाल बहुमत सिद्ध करने को कह सकते थे? क्या स्पीकर के द्वारा विधायकों को अमान्य घोषित करना एक वजह थी, जिसकी वजह से धारा 356 का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? क्या राष्ट्रपति उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संज्ञान में ले सकता है? क्या बहुमत सिद्ध करने में हो रही देरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बनाया जा सकता है? विनियोग विधेयक, जिसके कारण उत्तराखंड सरकार गिराई गई, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद इसका क्या हुआ? चूंकि राज्यपाल और स्पीकर दोनों ही संवैधानिक पद पर हैं, तो क्या राज्यपाल स्पीकर से सदन में वोट विभाजन के लिए कह सकता है? अगर उत्तराखंड विधानसभा में मनी बिल फेल हो गया, तो आखिर इसका निर्णय कौन करेगा, जबकि स्पीकर खुद ऐसा नहीं कह रहे हैं? केंद्र सरकार के जवाब के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उत्तराखंड में आगे राष्ट्रपति शासन रहेगा या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। अब माना जा रहा है कि इन सारे सवालों के जवाब के लिए मामला संविधान पीठ को भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट ने कांग्रेस को राहत देते हुए 21 अप्रैल को उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा दिया था, जिसके बाद सुप्रीम अदालत ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। 3 मई के बाद साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड का क्या होगा। वहां राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट भी नैनीताल हाई कोर्ट की तरह कांग्रेस को राहत देगी। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।